अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब सही होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्रेविंग फॉर कुकिंग। आज हम बना रहे हैं ब्रेड समोसा, और इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 6 से 7 ब्रेड, कॉर्नर रिमूव कर लीजिएगा। इसके साथ 1 पाव कीमा, बॉयल कर लीजिएगा नमक लहसुन अदरक और प्याज डाल के, 2 अदद अंडे, बारीक प्याज कटी हुई 1 अदद, 6 से 7 हरी मिर्चें बारीक किसी भी काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, ये तीनों सेम क्वांटिटी में जाएगा। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में डिजोल्व कर लीजिएगा, ब्रेड क्रम्ब, सोया सॉस और विनेगर। हरी मिर्चों को मैं कर लेती हूँ बारीक बारीक क्रश, और इसके साथ ही इसको मैंने करना है बारीक बारीक क्रश, और साथ ही मैं रख दूँगी दूसरी साइड पर अपना पैन, और ऑयल डालने के बाद इसमें ऐड करी प्याज। इसको करना है फ्राई, शैलो फ्राई कीजिएगा, इसका कलर पिंक ही रहना चाहिए। इसको ज़रूर बनाइएगा और काइंडली मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैं शामिल करूँगी अपना वो बॉयल कीमा ऐड कर लीजिए सारा इसमें, और ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए। और इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी वो तमाम मसाले, पिसी काली मिर्च, पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा, और बारीक हरी मिर्चें जो मैंने कुटी थी वो भी इसमें ऐड होंगी, तो वो मैं करती हूँ शामिल। ये मैंने इसमें सारी निकाल के डाल दी, ये देखें इसमें मेरी सारी हरी मिर्चें ऐड हो गई। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद तमाम कीमे को आपने कर लेना है मिक्स, ताकि तमाम मसाला अच्छे से प्रॉपर से सब एक दूसरे में लग जाए। हाँ जी, ये हो रहा है रेडी, बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। बॉयल कीमा अगर आपके पास है तो झटपट बन जाएगी, इसको आप चिकन में ही बना सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस, और इसको कर लूँगी अच्छे से मिक्स, और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसको मैंने कर लिया है अच्छे से मिक्स, और आखिर में इसके अंदर यमी टेक्सचर देने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1 स्पून क्रीम। ये देखें, इस क्रीम को आप ऐड करके अपना चूल्हा बंद कर दीजिए, इसको साइड में रख दें। अब आते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ, अंडों को अच्छा सा बीट कर लें। ये मेरे पास 2 मोल्ड कवर हैं, इससे मैं बनाऊँगी समोसे। जी, मोल्ड कवर पर आपने ब्रेड रखी है, उसमें डाल दिया मैंने 1 चम्मच भर के कीमा, और उसको मैं कर रही हूँ बन। ये देखिए, इस तरह से आपके तमाम समोसे रेडी हो जाएंगे, और ये रही मेरी पूरी प्लेटर रेडी कर ली है मैंने। अब इसको मैंने करना है फ्राई। फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैं रख दूँगी ऑयल गर्म होने के लिए, और साथ ही मैंने पहनी है ग्लव्स, और ग्लव्स इसलिए पहने हैं कि मुझे अंडे में डिप करना है इसे, इसलिए। डिप करने के बाद ब्रेड क्रम में आपने इसको डाल के अच्छे से कवर करना है, ब्रेड क्रम को बहुत अच्छे से लगाना है इसके ऊपर, और पैन में एक एक करके आप इसको डालिएगा। एक दफ़ा में 3 से 4 डाल सकते हैं, ज़्यादा मत डालिएगा वरना फ्राई होने में मुश्किल होती है और सही से कुक नहीं होते हैं। तो मैं डाल देती हूँ, और जो समोसे मुझे लग रहा है नीचे से होते जा रहे हैं, मैं उसको पलटना शुरू करूँगी। ये देखें इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। जी, ये तमाम ब्रेड समोसा हो गया है रेडी, और इसको मैंने कर दिया है सर्व। बहुत मज़े का है, ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, इसको मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, ये तमाम बड़ा ही क्रिस्पी सा बना है। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, और दुआओं में रखना है याद।